झुंझुनू जिले की नवलगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों का सट्टा पकड़ा है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरपीएस कृष्ण जांगिड़ ने बताया कि सूचना मिली कि नवलगढ़ के वार्ड 14 में मोचियों के मोहल्ले के मनिंदर चौबदार के घर वार्ड 14 निवासी गंजेंद्र उर्फ बंटी ऑनलाइन जुआ घर का संचालन कर रहा है। पुलिस ने मकान पर दबिश देकर नवलगढ़ थाने के स्ट्रीट शीटर गजेंद्र उर्फ बंटी तथा 6 अन्य आरोपियों को सट्टा करते हुए गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल, विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, इंटरनेट राउटर व हिसाब के रजिस्टर भी जब्त किए हैं। रजिस्टर में 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों का हिसाब मिला है। पुलिस ने नवलगढ़ के वार्ड 6 के शांतुन शाश्वत, विदसर के अनिल, छत्तीसगढ़ के धनराज टंडन, शिवम साहू, आकाश राठौड़ व रुपेश चौहान निवासी छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार किया है। इनके बैंक खाते भी खंगाले जा रहे हैं। इसके लिए बैंकों को पत्र लिखा है। झुंझुनू के मार्गदर्शन में ऑनलाइन जो सट्टा चलता है उसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी सफलता झुंझुनू पुलिस और नवलगढ़ पुलिस को मिली है। एक मुखबिर खास से हमें सूचना मिली थी कि झुंझुनू के नवरगढ़ कस्बे में मेला प्रांगण जो है उसके पीछे के एरिया में एक मकान के अंदर और ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा, बड़ी भारी रकम इसमें इन्वॉल्व है। हमने सूचना की तस्दीक की। सूचना की तस्दीक करने के बाद में दबिश दी गई। दबिश देने पर 7 लोगों को हमने वहाँ से गिरफ्तार किया। 2 लैपटॉप उनके कब्जे से लिए हमने, 16 मोबाइल हमने जब्त किए हैं और कई कंपनियों के सिम कार्ड, साथ में कई बैंकों के डेबिट कार्ड एवं ऑनलाइन सट्टे के जो हिसाब के लगभग 1.20 करोड़ रुपए के हिसाब के जो रजिस्टर हैं वो हमने जब्त किए हैं। इसमें हमने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत, आईटीए की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत और आरपीजीओ एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे अनुसंधान जारी है। आरोपियों में 3 आरोपी जो हैं वो नवलगढ़ के रहने वाले हैं और 4 आरोपी हैं वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। किस तरीके से ये ऑनलाइन जो है सट्टा चलाया जा रहा था, ऑनलाइन लाइन वितरण करके और उनके आधार पर जो है पैसे लेकर के लोगों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाया जा करके और क्रेडिट पॉइंट्स उनको दिए जाते थे और उसके आधार पर फिर विभिन्न गेम्स पर, क्रिकेट हुआ, अन्य जो गेम्स जो लीग चल रही हैं उनके ऊपर जो है सट्टा लगाया जा रहा है। ऑनलाइन जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन सट्टा है ये, इसमें इनके अकाउंट्स 17 अकाउंट जो हैं वो हमने सीज कर लिए हैं। उन अकाउंट्स में जो नकदी है उसके लिए हमने बैंकों को नोटिस हम जारी कर रहे हैं और वो सारा जो अमाउंट है उसको सीज करवाया जा रहा है। नवलगढ़ के आरोपियों में जो नवलगढ़ कस्बे का ही, नवलगढ़ थाने का ही एक एचएस रहा है गजेंद्र उर्फ बंटी और इसके अलावा शांतनु सारस्वत है, एक अनिल है, अनिल पुत्र श्री भागीरथ मलजा, ये जो हैं ये नवलगढ़ के रहने वाले हैं। अनिल जो है वो बेसिकली विदिशा थाने का रहने वाला है, अपने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से। तो सर ये जो ऑनलाइन सट्टा है ये कोई फ्रेंचाइजी है या इनका खुद का है? इस विषय में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आगामी जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके माध्यम से ये बात पता चल पाएगी कि किस प्रकार से इस चीज को जो है ये इसके तार कहाँ तक, कितने गहराई तक जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से फ्रेंचाइजी ली जा रही है।